हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे यार। आज आपको यार फ्रेम में दिख रही होगी अल्ट्रॉस। तो ये अल्ट्रॉस भी ओपेरा ब्लू कलर में है। और तो आप ये रिसेंबल मत करना, अगर आपको ध्यान देना ही है तो आप ध्यान दो यहाँ पे। यस, ये जो सामने लिखा हुआ है ये अल्ट्रॉस ICNG है। तो जी यस, टाटा ने पहली जो चीज़ें चेंज की थी वो सबसे पहले जो CNG में अल्ट्रॉस इन्होंने लॉन्च की ट्विन सिलेंडर में, ये वही वाली अल्ट्रॉस है। तो ये अल्ट्रॉस ICNG का टॉप एंड मॉडल है। काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो इसमें पहली बार अभी अल्ट्रॉस में इसी के साथ आए हैं, जो कि अभी तक अल्ट्रॉस में, पुरानी अल्ट्रॉस या जो मैं यूज़ कर रहा था उसमें नहीं थे। तो जी ये ICNG की बैजिंग आपको मिलेगी। प्लस अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ और भाई, ये ट्विन सिलेंडर्स और उसके ऊपर आपको ये अच्छा खासा एक कवर भी मिलता है। अगर आप आज बूट की बात करोगे तो एक जेनरस बूट स्पेस आपको इस कार में मिलता है, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक सबसे बड़ी जो फाइट होती थी कार्स में, जो लोग CNG लेने से डरते थे, वो यही था कि यार बूट स्पेस कार में नहीं मिलता था। तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं टाटा ने सच में रिकग्नाइज़ की, लोगों की समझी, और उसके बाद उन्होंने ये चेंज किया अपनी कार्स में। अब बात कर लेते हैं यार, ये एक ऐसी लाइनअप में कार है जिसमें सच में कार में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं टाटा की तरफ से। कुछ मैं एक्सटीरियर में चेंजेस बता देता हूँ। तो ये बैजिंग आपको मिलेगी अगर आप अभी अल्ट्रॉस लोगे तो, ये तो सारी अल्ट्रॉस में मिलेगा। और इसके अलावा ICNG पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है ये, आपको ICNG की बैजिंग मिलेगी। बाहर आपको अब टाटा की कार्स में अल्ट्रॉस में आपको शार्पिन एंटीना मिलेगा, तो आपको शार्पिन एंटीना भी इसके साथ आता है। सबसे बड़ी चीज़ जो सच में बहुत ज़्यादा एक लैकिंग थी, सनरूफ। अब आपको सनरूफ भी इसमें मिल जाती है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, ये बिल्कुल टॉप एंड मॉडल नहीं है, टॉप से एक नीचे वाला है, और इसी में आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। बाकी अगर मैं इसकी कीज़ की बात करूँ तो आपको दोनों रिमोट कीज़ मिलेंगी और दोनों में आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। तो इससे आपकी कार अनलॉक होगी, ये कार लॉक करोगे, ये लॉक करने वाली के साथ आपके साइड मिरर्स भी जो हैं वो लॉक हो जाते हैं। अभी शायद कोई डोर खुला हुआ है, यस बूट खुला हुआ है, इस वजह से ये अभी लॉक नहीं हो रहा है। बाकी अगर मैं बात करूँ एक्सटीरियर्स में, जो पुरानी अल्ट्रॉस थी और इसमें बहुत ज़्यादा अभी कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस इसकी सनरूफ का और पीछे शार्पफिन एंटीना। तो यहां से भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। आप सनरूफ देख सकते हो और पीछे शार्पफिन एंटीना। देन अब मैं अगर बात करूं कि सबसे पहले अब चलते हैं इंटीरियर की बात करते हैं, अब इंटीरियर्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं नई वाली अल्ट्रॉस में। ये टॉप एंड मॉडल नहीं है, एज आई टोल्ड यू, आई थिंक ये XZ है। तो उसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाएंगी। प्लस अब हम कार के अंदर आ गए हैं जी, सच में वो वाली फील आ गई है यार फाइनली, जो मुझे आज से 7-8 महीने पहले आई थी जब मैंने कार परचेज़ की थी धनतेरस पे। तो वही वाली एक नई कार की फीलिंग आ गई है। बट कुछ कुछ मिसेज हैं जो सच में टाटा ने गलत किए हैं, जो नहीं करने चाहिए थे, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको फ़ीचर्स बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी आपको स्टेयरिंग रैप, ये लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, ये आपको सारे फीचर्स उसके फीचर्स मिल जाएंगे, टेलीफोनी और उसके म्यूज़िक सिस्टम के। मीटर अब इसमें चेंज हो गया है, मीटर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे बड़ा मुझे जो दिक्कत लगी है ये यार, आपकी एक सेगमेंट की ऊपर की गाड़ी है और आपने उसमें मीटर दे दिया जी, टियागो और टिगोर वाला, नेक्सॉन वाला। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, जो नहीं करना चाहिए था इन्हें। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपको साथ में ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, 7 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाएगी विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। सबसे अच्छा फीचर जो आपको मिलेगा इसमें, आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगी, जो कि सेगमेंट में अभी किसी भी कार में, मतलब सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ तो i20 में आती है, बलिनो में नहीं आती है। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ा इस कार का हाईलाइट, इसकी सनरूफ। तो यार मैं पहली बार देख रहा हूँ ये, आप इसे कवर को लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। सनरूफ अच्छी है, मतलब मेरे जैसा इंसान तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन अगर आपका नॉर्मल साइज है तो आप निकल सकते हो। एक बार इसे खोल के देखते हैं। यार पूरी पीछे चली जाती है, ऐसा नहीं है रुक जाती है,
तो अच्छी आपको सनरूफ मिलती है कार में, और सच में इसका जो मैकेनिज्म भी है यार बड़ा इजी है, बहुत ही अच्छा है, और सीरियसली ऑसम यार। ऐसे आप इसे फिर से बंद कर सकते हो, ऐसे ऊपर करके आप वो कर सकते हो इसे नॉर्मल। तो यार ये तो मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब ये आपको मैनुअल मिलेगा जो अभी टाटा को अब तो ऑटोमेटिक दे देना चाहिए था यार। टॉप मॉडल 12.5 लाख रुपए टच कर रहा है, उसमें भी ये नहीं आता। सबसे बड़ा मिस जो मुझे लगता है भाई, क्रूज कंट्रोल यार, क्रूज कंट्रोल निकाल लिया टाटा ने। ये सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा ये टाटा ने क्यों किया है। क्रूज कंट्रोल आज की डेट में बहुत एक बेसिक फीचर हो चुका है कार में, और आप इतनी महंगी गाड़ी बेच रहे हो यार, वो इंपॉर्टेंट भी है आपको देना। तो क्रूज कंट्रोल टाटा ने अब निकाल लिया है। ICNG में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, वो एक चीज़ है। बाकी अगर मैं और फीचर्स की बात करूँ तो आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिले, वायरलेस चार्जिंग के साथ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाएगा। 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ आपको ये फास्ट चार्जिंग वाला एक सॉकेट मिल जाएगा जो USB टाइप सी है, टाइप सी चार्जर है, 5 वोल्ट 3 एम्पेयर, सो 15 वॉट तक की ये चार्जिंग सपोर्ट करेगा जो कि स्पीड फास्ट होती है, और ये USB वाला जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और चार्ज भी करता है फ़ोन को। सबसे बेस्ट चीज एल्ट्रॉस की वो है इसका ग्लव बॉक्स। सो बूट इसमें आपको लाइट भी मिलेगी, और ये बहुत डीप है, और इसमें आपको अंदर रियर AC वेंट भी, इसमें AC वेंट भी मिलेगा, जिससे कि आपको बहुत बड़ा आगे उसमें आपको कुछ भी रखना है तो आप इसमें सामान रखो, आराम से ठंडा पानी की बोतल, और आराम से पानी ठंडा हो जाएगा। और जी उसके अलावा अगर मैं बात करूं फीचर्स की, तो आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल है, ऐसे आप ओपन कर सकते हो। इसमें भी आपको अंदर स्पेस मिल जाएगा, ये भी काफ़ी डीप है, आप इसमें अच्छा खासा अपना कॉइंस वॉइंस और अपना वॉलेट रख सकते हो। एक जगह ये वाली, तो ये भी एक अच्छी जगह है वॉलेट रखने की। मैं ये, चलो मैं नहीं बताऊंगा मैं कहाँ रखता हूँ, तो ये भी एक अच्छी जगह है यार, यहाँ पे आप अपनी कार का वॉलेट रख सकते हो। तो चलो जी अब ऐसा करते हैं, सीट को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं और अब चलते हैं। अभी भी ये थोड़ा सा मैं और कर सकता हूँ, अभी मेरे हिसाब से सेट हो गई है, और अब चलते हैं एक बार और चलते हैं, देखते हैं पीछे की तरफ चल के। बाकी इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, तो चलो जी अब चलते हैं पीछे। सो पीछे की सीट्स पे अब हम आ गए हैं, और अब बैठ के देखते हैं। यार पीछे की सीट पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अभी तक अगर मैं बात करूँ इससे ज़्यादा जो कंफर्टेबल सीट्स हैं वो इससे जो एक सेगमेंट नीचे टिगोर आती है उसमें ये आती हैं कंफर्टेबल ज़्यादा, वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ये उनसे कम कंफर्टेबल हैं। वो एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि वो सेडान में आती है और ये प्रीमियम हैचबैक है, तो वो एक चीज़ है। बाद में अगर मैं बात करूँ भाई ये टॉप एंड मॉडल है, सॉरी मैंने आपको गलती से बोला था, ये बिल्कुल टॉप एंड मॉडल आता है जो कि अभी टाटा दे रहा है। अब आप एक चीज़ देख सकते हो यार, मतलब एम्बियंस जो हो गया ना वो नेक्स्ट लेवल हो गया, और सनरूफ के आने के बाद तो यार सीरियसली टाटा ने भाई मज़े बांध दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये टाटा ने ना एक स्लोप दे दिया है यहाँ पे, जिस वजह से आपका हेडरूम भी जो है वो कम नहीं होता। तो बाकी आपको भाई एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं पीछे, आर्मरेस्ट आपको मिलता है, और अगर मैं इसके में बात करूं, मेरी जो हाइट है फॉर रेफरेंस इज़ 5'9", और अगर मैं हेडरूम की भी बात करूं तो वो मुझे एम्पल मिलता है, और अगर मैं लेग रूम की भी बात करूं तो वो भी मुझे एम्पल स्पेस मिलता है, उसमें भी मुझे कहीं से कहीं तक भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब अगर मैं बात करूं यार इस टॉप एंड मॉडल की, तो ये टॉप एंड मॉडल पड़ता है ऑन रोड, चलो बाहर निकल के बात करते हैं यार, काफ़ी गर्मी है अंदर। ये करीब मेरठ में ऑन रोड पड़ रहा है 12,27,000 रुपये का। भाई 12,27,000 में बहुत अच्छा पैकेज है, नो डाउट, मैं मना नहीं करूँगा, बट कहीं ना कहीं कुछ एक मिसेज हैं जो कि टाटा को देने चाहिए। अगर टाटा से कोई भी वीडियो देख रहा है भाई, आपको ना यहाँ पे क्रूज कंट्रोल देना चाहिए था। इतनी सस्ती भी गाड़ी नहीं है कि आप क्रूज कंट्रोल निकाल लो, मेरी गाड़ी में भी क्रूज कंट्रोल है, तो वो टाटा को देना चाहिए। बाकी तो यार यही था आज की वीडियो में, आयो अगर कुछ भी मिस से मिस हो गया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और आपकी कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। तो यही था यार आज की वीडियो में, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड जय श्री राम।